अस्मिता मूलक साहित्य विमर्श के अंतर्गत आज हम दलित विमर्श अवधारणा और आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने आदिवासी विमर्श अवधारणा और आंदोलन तथा स्त्री विमर्श अवधारणा और आंदोलन के मेरे दो एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, तो इसी श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी है जिसमें हम दलित विमर्श अवधारणा और आंदोलन पर विचार करेंगे। विमर्श से तात्पर्य है चर्चा करना, उस पर विचार करना, उस पर डिस्कशन करना, तो ऐसे बोलते हैं दलित विमर्श। तो यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इन बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना, फिर दलित शब्द का क्या अर्थ है, दलित पैंथर और दलित साहित्य इनका अंतर संबंध। दलित पैंथर नाम का एक राजनीतिक दल बनाया गया था दलितों की अस्मिता और पहचान की रक्षा के लिए, तो इसका और दलित साहित्य का क्या संबंध है। दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत वे कौन से तत्व से जिनसे दलित साहित्य ने प्रेरणा ग्रहण की। दलित साहित्य का स्वरूप कैसा है। महात्मा ज्योतिबा फुले का वैचारिक संघर्ष। दलितों के उत्थान में काम करने वाले एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हुए हैं भारत में, महाराष्ट्र में, उनका नाम था ज्योतिबा फुले। उनका क्या योगदान रहा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके मुक्ति संघर्ष के विविध आयाम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न केवल दलितों के लिए बल्कि स्त्री उत्थान के लिए बहुत ही महान काम किया है भारतवर्ष में, और अपने समय के बहुत ही पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्ति थे, तो इनका क्या योगदान है। हिंदी में दलित साहित्य, हिंदी में वे कौन से रचनाकार हैं जो दलित साहित्य की रचना करने में संलग्न है, और अंत में निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। विभिन्न धर्मावलंबियों का विशाल देश है भारत। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख जैसे कई धर्मों के लोग सदियों से निवास करते आ रहे हैं। पूरे देश में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, शुरू से इनका वर्चस्व रहा है। बहुत प्राचीन काल से हिंदुओं में जटिल वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। यह वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से शुरू हुई थी, उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस व्यवस्था ने काफी जटिल रूप धारण कर दिया। वैसे तो भारत में विभिन्न धर्मावलंबी पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है इसलिए इनका वर्चस्व, इनकी प्रधानता, इनकी प्रमुखता ज्यादा है। मतलब वर्चस्व मतलब ज्यादा संख्या में है यहाँ पर कुल मिलाकर। तो हिंदुओं में क्या है कि वैदिक काल से ही एक वर्ण व्यवस्था चलती थी, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार भागों में बटा हुआ था पूरा समाज। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था ने बहुत ही जटिल रूप धारण कर लिया, तो इसका क्या परिणाम हुआ। प्राचीन वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था ने हिंदू समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चार वर्णों में विभाजित किया था। इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज में ब्राह्मण को श्रेष्ठत्व प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर उन्हें प्रभावशाली बनाया गया। मतलब जब वर्ण व्यवस्था शुरू हुई तो ब्राह्मणों को वहां पर सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की गई और उनको बहुत ही प्रभावशाली बनाया गया। उन्हें श्रेष्ठता, श्रेष्ठ दिखाने के लिए सामाजिक स्तर पर उन्हें श्रेष्ठ दिखाया गया, प्रभावशाली दिखाया गया। फलतः समय की गति के अनुसार समाज में ब्राह्मणों का प्राधान्य बढ़ने लगा। शूद्रों को इन तीन जातियों के सेवा करने वाला सेवक माना गया, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों को ज्यादा प्रधानता दी गई और शूद्रों को यह माना गया द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था और इन्हें सेवक माना गया कि इनका काम है ऊपर के तीन जो जातियां हैं, जो वर्ण हैं, उनकी सेवा करना। धीरे धीरे शूद्रों में विविध जाति उपजातियों की सृष्टि हुई। इन जाति उपजातियों के लोगों को दलित माना गया, इन्हें वेदाध्ययन से वंचित किया गया। तो पहले तो शूद्र एक वर्ण था, बाद में शूद्र क्या है, दलित जाति में परिवर्तित हो गया और उनमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हो गए और इन लोगों को दलित माना गया। मतलब शूद्रों के जो अलग अलग कैटेगरी हो गए इन सबको दलित माना गया और इन्हें वेदों के अध्ययन से, पुराणों के अध्ययन से इनको वंचित कर दिया गया। वेदों के अध्ययन की इनको परमिशन अथवा अनुमति नहीं दी गई। वर्ण भेद की इस कुत्सित भावना ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि निम्न वर्गों के लोगों की छाया का स्पर्श भी पाप समझा जाने लगा। वर्ण व्यवस्था पद्धति में शूद्र अर्थात इस दलित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर, भूमिहीन, गरीब, किसान सभी को शामिल किया गया, इन सबको दलित माना गया। बाद में वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल होती चली गई वक्त के साथ कि यह जो दलित वर्ग में जो शामिल थे इन्हें अस्पृश्य समझा जाने लगा। अस्पृश्य मतलब जिसको स्पर्श ना किया जा सके या जिसको स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा बोला जाता था कि कोई इनको यदि स्पर्श कर लेता है, कोई इन्हें छू लेता है तो वह अपवित्र हो जाता है। और इसमें केवल दलित जाति को ही नहीं, समाज के हाशिए में जो रहने वाले लोग हैं
जैसे मजदूर हैं, भूमिहीन लोग हैं, गरीब किसान हैं, सभी को इस दलित वर्ग में शामिल किया गया और इन सबको दलित माना गया और इन सबको समाज की मुख्य धारा में न रखकर समाज के हाशिए में धकेल दिया गया। अब हम देखते हैं कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है। दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन या उत्पीड़न किया गया हो, मतलब जिसको दबा दिया गया हो, जिसको कुचल दिया गया हो, जिसको प्रताड़ित किया गया हो। दलित शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर आरती झा ने कहा है, डॉक्टर आरती झा नाम के एक चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने कहा है दलित शब्द का सामान्य अर्थ है दरिद्र और उत्पीड़ित, जो गरीब भी है और जो उत्पीड़ित है, जिसको प्रताड़ित किया गया है। इसका अर्थ दबा, कुचला, अपमानित और प्रताड़ित प्राणी होता है। आज दलित का अर्थ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रूढ़ अर्थ में होने लगा है। वर्तमान समय में दलित शब्द से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का बोध होता है, मतलब इसके लिए इसको फिक्स कर दिया गया है। जिसका दलन व दमन हुआ हो, जो दबाया गया हो, जो उत्पीड़ित हो, जो शोषित हो, जो सताया गया हो, गिराया गया हो, उपेक्षित किया गया हो, घृणित हो, रौंदा गया हो, मसला गया हो, कुचला गया हो और वंचित हो, वह दलित है। वंचित मतलब डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, मतलब जो कुछ हासिल न कर सके उसको बोलता है वंचित, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, तो वह दलित है। दलित किसी जाति व धर्म का कोई शब्द नहीं है, वह कोई भी हो सकता है, शूद्र हो या अन्य कोई भी हो। तो वर्तमान समय में दलित मतलब बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, इससे कोई जाति भी उससे वर्ण से मतलब नहीं है यहाँ पर। दलित पैंथर और दलित साहित्य का अंतर संबंध, तो दलित पैंथर नाम के एक राजनीतिक दल का गठन हुआ था जिसका उद्देश्य था दलितों की परिस्थितियों को बदलना, उनकी अस्मिता और उनके स्वाभिमान की रक्षा करना। 9 जुलाई 1972 को कुछ दलित युवकों ने दलित पैंथर नामक राजनीतिक दल का गठन किया। दलित पैंथर दलित मुक्ति संग्राम का एक जुझारू दस्ता है जिसके प्रमुख भूमिका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में देखी जा सकती है। मतलब दलित पैंथर जिस दल का गठन किया गया वह एक राजनीतिक दल था, वह एक सामाजिक दल था और दलितों के उत्थान में इस दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे आप आंदोलन के रूप में, दलितों के उत्थान के आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सन 1970 के दशक में दलित पैंथर राजनीतिक दल ने दलित शब्द का सबसे अधिक प्रचार किया। तब से दलित शब्द का महत्व बढ़ गया। लोग दलित शब्द को केवल अनुसूचित जनजातियों तक सीमित करते हैं, परंतु इनका यह विचार तर्कसंगत नहीं है। वर्तमान समय में दलित शब्द को विशेष रूप से जनजातियों तक ही या अनुसूचित जनजातियों तक ही सीमित किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है जो तर्कसंगत नहीं है। आगे चलकर दलित शब्द को लेकर कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से राय प्रकट की है। कमल भारती ने अपना विचार प्रकट करते हुए दलित शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। बाद में जो दलित जो चिंतक हुए हैं, दलितों के संबंध में जो विचार विमर्श करने वाले विद्वान हैं, उन्होंने दलितों को विभिन्न प्रकार से दलित शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऐसे ही एक विद्वान हुए हैं कमल भारती, इन्होंने दलित शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया है। उनके अनुसार, कमल भारती के अनुसार, दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता नियम लागू किया गया। अस्पृश्यता नियम मतलब जिसको छूने से लोगों को लगता है कि वो अपवित्र हो जाएंगे, जिसे कठोर गंदे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है। तो जिनको गंदे काम करने के लिए बाध्य किया गया है, जैसे सीवरेज वगैरह की सफाई करना इत्यादि, जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया है, सिर्फ वही दलित है। जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, जिनको स्वतंत्र व्यवसाय करने से वंचित किया गया, वही सिर्फ दलित है। दलित और सर्वहारा में यह अंतर है कि दलित के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण शामिल होता है, तो सर्वहारा केवल आर्थिक शोषण तक सीमित रहता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से जब देखा जाता है तो आता है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग वह होता है जिसका सिर्फ आर्थिक शोषण किया गया है। लेकिन दलित क्या होता है? दलितों को तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार से शोषण होता है। तो इन दोनों शब्दों के अर्थ को आपको समझना है। दलित जो वे होते हैं जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार का शोषण होता है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक। जबकि सर्वहारा वर्ग वह होता है जिसका सिर्फ आर्थिक शोषण होता है। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा है। पहले दलितों को आजादी नहीं थी, उन्हें गुलामी में जीवन बिताना पड़ता था। सवर्ण समाज के लोगों के शोषण के परिणाम स्वरूप इन्हें हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। छोटी जाति की औरतों को कुएं से पानी तक भरने नहीं दिया जाता था। गांव में ऊंच नीच का भेदभाव दिखाई देता था। जगदीश चंद्र ने धरती धन्ना अपना उपन्यास में बड़ी बारीकी से इसका वर्णन किया है। जगदीश चंद्र जी एक बहुत ही प्रसिद्ध दलित लेखक हुए हैं, चिंतक हुए हैं,
और इनका एक उपन्यास है धरती धरना अपना, कई विश्वविद्यालयों के सिलेबसों में पाठ्यक्रम में यह शामिल किया गया है। इसमें इन्होंने इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्लेख किया है। मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियां हैं, उसमें भी आप इसे देख सकते हैं, जैसे ठाकुर का कुआं। दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत, वो कौन से स्रोत हैं जिनसे दलित साहित्य ने प्रेरणा ग्रहण की, मतलब किसके आधार पर दलित साहित्य लिखा गया और उसके स्रोत कौन कौन से थे, उनका हम अब अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज में प्रधानतः हिंदू समाज अधिक संख्या में है। छुआछूत की भावना मुख्यतः हिंदुओं में रही है। चार वर्ण की स्थापना तो समाज को तोड़ने हेतु की गई, हालांकि जोड़ने हेतु की गई थी उस समय, मतलब अलग अलग जो वर्ग थे उनके लिए अलग अलग दायित्व, अलग अलग व्यवसाय निर्धारित किए गए थे। इसका वास्तव में उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं था बल्कि जोड़ना था, ताकि सबके दायित्व निर्धारित रहे, सबके व्यवसाय, सबके काम निर्धारित रहे, इसके लिए वर्ण व्यवस्था किया गया था। परंतु कालक्रम में वह बांटने में लग गई, लेकिन बाद में क्या है, उसमें बहुत सारी बुराइयां प्रवेश कर गई, अब वह समाज को तोड़ने में लग गया। तो मध्यकाल में आपको मालूम है कि भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं हमारे, प्रायः वे गरीब तबके से थे, खासकर संत कवि जितने भी हुए हैं प्रायः गरीब और दलित और शूद्र में से शामिल थे। मध्यकाल में निर्गुण शाखा के अनेक कवि रैदास, पलटू, कबीर आदि ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर गंभीर चोट की है। तो ये छोटे छोटे वर्ण के थे, कबीर जैसे जुलाहे के घर में रहते थे, जुलाहे घर में पैदा हुए बोलते हैं, या उनके घर में रहते थे, और वैसे ही रैदास हैं, ये भी छोटी जाति से थे, पलटू भी वैसी थे। तो इन्होंने, रैदास जो हैं, इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर बहुत ही गंभीर चोट की है। ये बहुत ही क्रांतिकारी चेतना के कवि थे, इसीलिए भक्ति काल को भारतीय जो साहित्य है उसका स्वर्णयुग कहा जाता है। तो रैदास कहते हैं, रैदास नाम के जो कवि हैं वे कहते हैं, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तव मिलिया दलदार। मतलब वो द्वारका काशी हरिद्वार सबके महत्व को बोलते, इनका कोई महत्व नहीं, उनका दिल ही क्या है, वही स्वर्ग है, वही सबसे बेहतर है। गहरे अतीत में जाएं तो देखेंगे कि सिद्धनाथ कवि इस भेदभाव करने वाली परंपरा के विरुद्ध खड़े हुए। बाद में हम अगर और पीछे जाते हैं, जो सिद्ध और नाथ कवि थे वीरगाथा काल के समय, जो सिद्ध और नाथ कवि थे वे भी इस परंपरा के पूरी तरह से विरुद्ध थे, इसके खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। 84 सिद्धों में 60 तो शूद्र थे, तो जो 84 सिद्ध हुए हैं, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, उनमें तो 60 शूद्रों में से थे, शूद्र थे। वैसे ही सिद्धों में अनेक इसी वर्ण के थे। इनकी प्रखर वाणी ने पहली बार समाज में वर्ण भेद के प्रति चेतना जगाई। इनके तर्क और समता के उदाहरण समाज को इस नीति में बदलाव के प्रति जागरूक कर सके। आध्यात्मिक भाव को भौतिक उपलब्धि से ऊपर महत्व देने के कारण वे सबको स्वीकार्य हो सके। मतलब आध्यात्मिक जो इनकी भावना थी वो समाज में जो जिस प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी इन सबसे ऊपर थी, इसी के कारण वे समाज के सभी वर्णों को स्वीकार्य हुए, खासकर शूद्रों में वे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। प्रत्यक्ष रूप से स्वामी दयानंद ने इस दर्द को समझकर उन्हें वेदों का अधिकार दिया। बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शूद्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया, यज्ञ करने का अधिकार दिया और जनेऊ धारण करने की स्वीकृति दी। उनमें दलितों के प्रति गहरी संवेदना स्पष्ट दिखी। वास्तव में शुरुआत में जनेऊ धारण करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को अथवा क्षत्रियों को हुआ करता था, लेकिन बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, जनेऊ धारण करने का अधिकार सबको है, और उनके मन में दलितों के प्रति गहरी संवेदना विद्यमान थी। माता प्रसाद नाम के एक राइटर हुए हैं, वे लिखते हैं, संतों के विचार से दलित जाति को प्रेरणा मिली, उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ। मतलब जो संत कवि हुए या फिर जो अलग अलग प्रांतों में जो संत कवि हुए, जो विद्वान हुए, और भारतीय जो हिंदी साहित्य के जो संत कवि हुए, उनके विचारों से दलित जाति में प्रेरणा जागी और उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ। इनमें विशेष रूप से कबीर प्रमुख है। उसी तरह गांधी जी ने शूद्रों को हरिजन संज्ञा देकर अपनाया। भारत की आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने शूद्रों को हरिजन अर्थात भगवान के जन, हरि के जन कहकर संबोधित किया, मतलब सर्वाधिक महत्व प्रदान किया, और गुलामी के संघर्ष में इनका आंतरिक समर्थन लिया। गुलामी का जो संघर्ष था, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें उन्होंने शूद्रों को और दलितों को जोड़ने का भरसक प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। इसके बाद इस दिशा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा ने बड़े समाज को जगाया। संविधान में आरक्षण का मुद्दा जोड़कर हरिजनों के अन्याय पर मलहम लगाया। इस प्रकार एक लंबे समय बाद कानून सम्मत आंदोलन और सकारात्मक चेतना बनी। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है दलितों के उत्थान में, वह है डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का।
उन्होंने न केवल उन्हें चेतना जगाई बल्कि उनके अधिकारों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी करवाई, क्योंकि उस समय वे सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और कानून के बहुत बड़े जानकार थे, कानून के बहुत बड़े विद्वान थे। तो रैदास दलित चेतना के प्रमुख कवि हुए हैं जो कहते हैं, तो रैदास जो संत कवि हैं वे कहते हैं ये दलित चेतना के सर्वाधिक प्रमुख कवि इन्हें माना जाता है। इनका कहना है, रैदास एक ही बूंद सो सब हो भयो विस्तार, मूरी हैं जो करत हैं वरण अवरण विचार। मतलब उनका कहना है कि जो सभी मनुष्य हैं वह एक जैसे हैं, जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में वो सब एक जैसे हैं, उनका शरीर एक जैसा है, सबके शरीर में खून है, और वे जो मूर्ख हैं जो कहते हैं कि वर्ण पर विचार करते हैं ये इस वर्ण का है इस जाति का है, वे लोग मूर्ख हैं। मतलब सभी की शारीरिक संरचना एक जैसी है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाकर दुनिया में भेजा है। 1990 के दशक से दलित साहित्य ने हिंदी में दस्तक दी। कांशीराम जी द्वारा डीएस कौर और बसपा की स्थापना से दलित साहित्य प्रभावित हुआ। कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं कांशीराम जी, उन्होंने एक डीएस कौर नामक राजनीतिक दल बनाया था और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इससे भी दलित साहित्य प्रभावित हुआ और दलितों के उत्थान में इन्होंने बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1990-91 में एक मंडल कमीशन आया था, इसने दलित साहित्य को गति प्रदान की। एक मंडल कमीशन बनाया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में एक मंडल कमीशन बनाया गया था, इसने भी दलित साहित्य को प्रेरणा प्रदान की। राजेंद्र यादव नाम के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, राजेंद्र हंस पत्रिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव की हंस पत्रिका और रमणिका गुप्ता के युद्धरत आम आदमी पत्रिका के द्वारा अनेक दलित लेखक लेखन के क्षेत्र में आ गया। मतलब इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था राजेंद्र यादव ने, इन्होंने बहुत से नए लेखकों को मौका दिया, दलित लेखकों को, उनको प्रकाशित किया। इसी प्रकार रमणिका गुप्ता ने एक पत्रिका का संपादन किया, उन्होंने दलित चेतना से युक्त लेखकों को लिखने का मौका दिया, उनको प्रकाशित किया। कई दलित साहित्य सम्मेलनों द्वारा भी समकालीन दलित चेतना का विकास हुआ। इसके बाद समय समय पर बहुत सारे दलितों के साहित्य सम्मेलन हुए और इसके माध्यम से भी दलित चेतना का विकास हुआ। दलित साहित्य द्वारा अपने समय और समाज का चित्रण पूरी सच्चाई और यथार्थवादी दृष्टि से किया गया। अब देखते हैं दलित साहित्य का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से दलित साहित्य ने अपना आकार ग्रहण किया, अपना रूपाकार ग्रहण किया। तो दलित साहित्य का स्वरूप, दलित साहित्य दलितों के जीवन और उनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य। मतलब गैर दलितों के द्वारा भी दलित साहित्य लिखा गया, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से दलितों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जो दलित साहित्यकार हैं वे गैर दलित साहित्यकारों के द्वारा जो दलित साहित्य लिखा गया उसको पूरी समर्पण और निष्ठा के साथ स्वीकार नहीं करते। तो वास्तव में हम दलित साहित्य किसे कहेंगे, दलित साहित्य दलितों के जीवन और उनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य है। वास्तव में देखा जाए तो दलित साहित्य सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश है, यह इसकी परिभाषा हो गई। तो दलित साहित्य के स्वरूप का रेखांकन करते हुए कुंवल भारती ने लिखा है, दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को स्थापित किया है, जिसमें दलितों ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है दलित साहित्य उसी की अभिव्यक्ति करता है। मतलब दलितों ने अपने जीवन में जो स्ट्रगल किया है, जो संघर्ष किया है, उसी को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान की है, इसे ही दलित साहित्य कहा जाता है। यह कला के लिए कला का नहीं बल्कि जीवन का और जीवन की जिज्ञासा का साहित्य है। एक आंदोलन हुआ था कला के लिए, मतलब कला का निर्माण, कला का सृजन सिर्फ स्वांता सुखाय किया जाए, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है और कला का समाज के लिए कोई भी मतलब जिम्मेदारी नहीं है। इस आंदोलन को बोला जाता है कला के लिए कला, मतलब सिर्फ कला के लिए, सिर्फ आर्ट फॉर्म, हमको कुछ सृजन करना है, हमको कुछ लिखना है, हमको इसलिए हम लिखेंगे, हम अपनी खुशी के लिए लिखेंगे और समाज से हमारे लेखन का कोई लेना देना नहीं है और समाज के प्रति कोई हमारी जवाबदेही अथवा जिम्मेदारी नहीं है। इस आंदोलन को बोला जाता है कला के लिए कला। लेकिन दलित साहित्य क्या है, जीवन का दलित साहित्य, जीवन का यथार्थ, जीवन का साहित्य है, जीवन की जिज्ञासा है, जिंदा रहने की लालसा है, जिंदा रहने की उम्मीद है, एक अभिलाषा है, उसका साहित्य है। एक अस्मिता और स्वाभिमान का साहित्य है। डॉक्टर दयानंद बटरोही नाम के बड़े राइटर हुए हैं, इन्होंने लिखा है, दलित साहित्य दलितों की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, इसमें दलित मानवता का स्वर है, एक नकार है, एक विद्रोह है, एक नकार है, एक निषेध है उन रूढ़ियों, उन परंपराओं, उन मान्यताओं के विरुद्ध
जो जिन्होंने दलितों को समाज के हाशिए में धकेल दिया है। यह एक विद्रोह है। यह विद्रोह उस व्यवस्था के प्रति है जो सदियों से दलितों का शोषण कर लाभ की स्थिति में है। मतलब दलितों का लंबे समय से शोषण किया जा रहा है और जो शोषण करने वाले जो लोग हैं वे समाज में अच्छे पोजीशन में हैं, लाभ की स्थिति में है। यह उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। दलित साहित्य में गांवों का ज्यादातर वर्णन देखने को मिलता है। हर गांव में दलितों की बस्ती है। दलितों की बस्तियां प्रायः गांव से बाहर होती हैं। आपने महिला अंचल में भी देखा होगा। इनके लिए अलग कुआं, अलग शमशान भी होता है। इसमें गांव में दलितों के प्रति अन्य सवर्ण जातियों का मनोभाव स्पष्ट हो जाता है। केवल जिंदा रहने के बाद, जिंदा रहते तक ही नहीं, यदि वो मर भी जाते हैं तो उनके लिए अलग शमशान की व्यवस्था की गई है। उनको अपने शमशान घाट में ले जाकर दाह संस्कार करने की अनुमति होती है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनके मन में दलितों के प्रति कौन सी भावना विद्यमान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम के एक बहुत ही दलित लेखक हुए हैं, चिंतक हुए हैं। इनका कहना है दलित साहित्य में दलित मतलब यह स्वरूप है। दलित साहित्य का स्वरूप कैसा है? दलित साहित्य समाज में समानता, भाईचारा और मानवीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे आपने फ्रांस की राज्य क्रांति में देखा है ना, समानता मतलब इक्विलिटी, भाईचारा मतलब फ्रेटर्निटी और मानवीय स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। इसी की स्थापना के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा है कि यह दलित साहित्य इसके लिए प्रतिबद्ध है। जिसे आपने स्वच्छंदतावाद में देखा है, उनका मानना है कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। इस प्रकृति में जो कुछ हमारे सामने है वह मनुष्य की देन है। इसलिए मनुष्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए दलित साहित्य मनुष्य का साहित्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य समान है और यह जो हम आज जो भी हमारे आसपास देखते हैं उसका निर्माण मनुष्य ने किया है। सभी मनुष्य एक जैसे हैं और मनुष्य को महत्ता प्रदान की जानी चाहिए। सभी मनुष्यों को महत्ता प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय में उसने क्यों न जन्म लिया हो। इस प्रकार दलित साहित्य मनुष्य का साहित्य है, मानवता का साहित्य है। महात्मा ज्योतिबा फुले का वैचारिक संघर्ष। महाराष्ट्र में एक अत्यंत महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, उनको जागृत करने के लिए, उनकी चेतना के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, समाज सुधार के लिए भी काम किया है। उन्हें कहा जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनको, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनका विचार और दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा सा हम उसका भी अध्ययन यहाँ पर करेंगे। ये सारी चीजें आंदोलन से संबंधित है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको लिखना ही है परीक्षा में। ज्योतिबा फुले का जन्म सन 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक माली परिवार में हुआ था। माली मतलब जो माली का काम करते हैं, इन्हें छोटी जाति का समझा जाता है। ज्योतिबा ने हिंदू समाज के छुआछूत, ऊंच नीच की अमानवीय भावना तथा रूढ़ियों एवं कलुषित परंपराओं को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया। कलुषित परंपरा मतलब जो काली परंपराएं हैं, जो रूढ़ परंपराएं हैं, है ना, इनको पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया। और ज्योतिबा फुले का क्या विचार था? इनके विचार से ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सभी नियम, सिद्धांत, निषेध, आदेश, निर्देश केवल अशिक्षित शूद्रों को लगातार सदा सदा के लिए दास बनाए रखने की उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। मतलब ब्राह्मणों ने जो भी नियम कानून बनाए थे उनका उद्देश्य था कि जो शूद्र अशिक्षित है ना, उनको हमेशा के लिए अपना दास, अपना सेवक बनाकर रखना है। उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं प्रदान करना है, उनको हमेशा समाज के हाशिए में भी रखना है। इसलिए उन्होंने सारे नियम कानून बनाए थे। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने सारे मानवता विरोधी पौराणिक लेख, आख्यान तथा उदाहरण समाज के नादान शूद्रों पर यह कहकर थोपा था कि सभी शास्त्र, पुराण और स्मृतियां तथा धर्मग्रंथ सीधे परमात्मा के रचे हुए हैं। इतना नहीं, ब्राह्मणों ने शूद्रों के मन में यह बात डाल दी थी कि जितने भी वेद और पुराण हैं, धर्म ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, वो भगवान ने स्वयं लिखे हैं और उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि शूद्रों को उच्च वर्णों की सेवा करनी है। इस प्रकार उन्होंने उनके दिमाग में सारी बातें भर दी थी और इनका उद्देश्य हमेशा से शूद्रों का शोषण करना रहा है। तो ये ज्योतिबा फुले जी के विचार थे। तो उन्होंने यह सारी बातें उनके मतलब दलितों के उत्थान के लिए, उन्होंने उनमें चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने इन सभी अपने आइडियोलॉजी का, अपने विचार का प्रचार प्रसार किया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुक्ति संघर्ष के विविध आयाम, अब इनकी क्या भूमिका रही है? दलितों के उत्थान में, दलितों में चेतना जागृत करने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान सर्वाधिक है आधुनिक भारत में। तो इनका क्या योगदान रहा है देखते हैं। अधिकांश दलित साहित्यकार दलित चेतना और दलितों की अभिव्यंजना में डॉक्टर अम्बेडकर को मुख्य प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मतलब जितने भी दलित साहित्यकार हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी मुख्य प्रेरणा स्रोत मानते हैं। स्वातंत्र
तिहत्तर भारत में मतलब स्वतंत्रता के बाद के भारत में दलितों की स्थिति में जो सुधार आया है, दलित साहित्य में जो व्यापकता आई है, इसमें सबसे अधिक श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी को ही है। मतलब सर्वाधिक महान काम जो हुआ है स्वतंत्र भारत में दलितों के उत्थान के लिए, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन सामाजिक संघर्ष से ऊर्जा पाकर दलित चेतना साहित्यिक अभिव्यक्ति में परिवर्तित हुई। मतलब डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के बहुत ही पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते थे, बहुत ही विद्वान थे और कानून के उस समय देश के शीर्षस्थ विद्वान थे। इसलिए इनकी बातों ने दलितों में एक प्रेरणा जगाई, एक उम्मीद जगाई, एक आशा की किरण जगाई और इनके जीवन दर्शन से, इनके सामाजिक संघर्ष से ऊर्जा पाकर जो दलित चेतना उत्पन्न हुई, उस दलित चेतना ने साहित्य में अभिव्यक्ति पाई, साहित्य में परिलक्षित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में कुछ किताबें लिखी, द अनटचेबल्स हु आर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, बुद्ध एंड हिज धम्म, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू दिस अनटचेबल्स, जैसे बहुत सारे 12 पुस्तकों की रचना की जिसने दलित चेतना को प्रखरता प्रदान की, उनके क्रांति क्रांति को प्रधानता दी और उनकी आवाज को बुलंद किया। दलितों पर अंबेडकर के जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर मराठी भाषा में लिखी गई अंबेडकर जी की आत्मकथा आई कसा झाड़ी मैं कैसे बना ने दलित लेखकों को आत्मकथा। डॉक्टर अंबेडकर की दलित सामाजिक क्रांति की प्रेरणा से प्रभावित होकर 1950 में महाराष्ट्र में दलित साहित्य संघ की स्थापना हुई। इनके बाद सन 1970 के दशक में दलित पैंथर नामक राजनीतिक दल का गठन हुआ और इस राजनीतिक दल ने दलित शब्द का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। परिणाम स्वरूप मराठी भाषा में सबसे पहले दलित साहित्य लेखन का श्री गणेश हुआ। मतलब सबसे पहले दलित साहित्य कहाँ शुरू हुआ, मराठी भाषा में शुरू हुआ, मराठी साहित्य के साथ शुरू हुआ। अब हिंदी में दलित साहित्य, अब मैं विभिन्न भाषाओं में जो दलित साहित्य लिखे गए हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मराठी साहित्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इसमें, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो परीक्षा का दृष्टिकोण से सिर्फ हिंदी में किस प्रकार के दलित साहित्य लिखे गए हैं उन्हीं की चर्चा तक हम सीमित रहेंगे। भारतवर्ष में दलित चेतना के प्रचार प्रसार में हिंदी दलित साहित्यकारों का सबसे अधिक योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदी भाषा भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस दिशा में दलित साहित्यकारों के अलावा शुरू में कुछ गैर दलित साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, पर गैर दलित साहित्यकारों के द्वारा किए गए ऐसे प्रयास दलित साहित्यकारों द्वारा नकारात्मक दृष्टि से देखे जाते हैं। वास्तव में जो गैर दलित साहित्यकार हैं, जो दलित नहीं है, उन्होंने जो लिखा है दलितों के बारे में साहित्य, उसको जो दलित साहित्यकार हैं वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हे की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने जिस यथार्थ को भोगा है समाज में, हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं और आप तो तटस्थ भाव से देख रहे हो, आप हमारी पीड़ा को, हमारे अपमान को आप कैसे समझ सकते हो। तो ऐसा है, तो दलित विमर्श से संबंधित प्रमुख उपन्यास और उनके उपन्यास का निम्नलिखित है, जो प्रमुख उपन्यास है दलित साहित्य के देखते हैं, जस्तस भाई सवेर, सत्य प्रकाश इनके राइटर हैं, छप्पर ये उपन्यास है, जयप्रकाश कर्दम, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति पर्व, मोहनदास नमिस राय, मुक्ति पर मोहनदास नमिस राय, इसके बाद दलित साहित्यकारों में लक्ष्मी नारायण सुधाकर एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि है, ये कवि भी है, यहाँ पर दलित साहित्यकार कवि हुए हैं लक्ष्मी नारायण सुधाकर। अंबेडकर के जीवन वृत्त पर आधारित भीम सागर आपकी सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर उन्होंने एक कविता का वो लिखा है जीवन वृत्त के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर, भीम सागर आपकी सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। आपकी अन्य काव्य कृतियों में एक बहुचर्चित काव्य संग्रह है उत्पीड़न की यात्रा, तो ये कवि हैं। इसी प्रकार हिंदी दलित कवियों में एक अन्य प्रमुख कवि हैं डॉक्टर दयानंद भट्टरोही, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से सामाजिक विसंगतियों पर कलम उठाकर समाज में विद्रोह की चेतना उत्पन्न करने का बीड़ा उठाया। मतलब विद्यार्थी जीवन से यह इस संघर्ष की चेतना में इनमें विद्यमान थी और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, विद्रोह की चेतना थी इनके अंदर। वे कवि और कलाकार भी हैं, वे नई लहर और साहित्य यात्रा जैसी पत्रिका के संपादक भी रहे। इनकी कहानी संग्रह है सुरंग और साहित्य और सामाजिक क्रांति इनका निबंध संग्रह है तथा यात्रा की आंखें नवगीत संग्रह है, कविता संग्रह है, जैसे साहित्यिक कृतियों ने उन्हें काफी सफलता प्रदान की है। कविताओं की तरह दलित चेतना के विकास में कई कहानीकारों की भूमिका प्रशंसनीय है। आपको इन सभी रचनाओं का उल्लेख करना है तभी आपका उत्तर कंप्लीट होता है, तो आप हमेशा ध्यान दें
हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श क्या है, दलित विमर्श क्या है, आदिवासी विमर्श क्या है, हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से आपको उनकी विवेचना भी करनी है। कविताओं की तरह दलित चेतना के विकास में कई कहानीकारों की भूमिका प्रशंसनीय रही है। ऐसे कहानीकारों के कुछ चर्चित कहानी संकलन के नाम इस प्रकार है: ओम प्रकाश वाल्मीकि का सलाम, मोहनदास नैमिष राय की आवाजें, दयानंद भट्टोही की सुरंग, सूरजपाल चौहान का हैरी कब आएगा आदि कहानी संकलन कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से आकर्षक और प्रभाव उत्पादक हैं। वस्तुतः ओम प्रकाश जी की कहानी सलाम से दलित कहानी का आविर्भाव माना जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कहानी है सलाम, इसे से दलित कहानी की शुरुआत मानी जाती है। कुछ आलोचक मोहनदास नैमिष राय के मुक्ति पर्व को पहला दलित उपन्यास मानते हैं, मतलब मोहनदास नैमिष राय नाम के जो राइटर हुए हैं उनका जो उपन्यास है मुक्ति पर्व, इसे पहला दलित उपन्यास माना जाता है। हिंदी दलित साहित्य में कई आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई हैं। आत्मकथा मतलब खुद की जीवनी जब लेखक स्वयं लिखता है। हिंदी में प्रकाशित कुछ आत्मकथाएं इस प्रकार हैं: जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने अपने पिंजरे, भाग एक और भाग दो, मोहनदास नैमिष राय, तिरस्कृत, सूरजपाल चौहान, दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंती, झोंपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद, ये सारी कथाएं उपयुक्त लेखकों के पारिवारिक जीवन, तात्कालिक सामाजिक परिवेश एवं विविध तथ्यों से परिपूर्ण एक एक सफल दस्तावेज है। तो अब निष्कर्ष में हम देखते हैं क्या है। भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। लंबे समय से यह सब भारतीय समाज में व्याप्त रहा है। ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के समय तक अन्याय और वर्चस्व के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चलते रहे। मतलब गौतम बुद्ध भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, बौद्ध धर्म भी ब्राह्मणवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उसका उदय हुआ था। तो इस प्रकार उस समय से लेकर ईसा पूर्व से, मतलब गौतम बुद्ध जी के समय से ही यहाँ यह अन्याय और वर्चस्व के विरुद्ध समय समय पर आंदोलन उठते रहे हैं। समय और काल और परिवेश के दबाव के फलस्वरूप यह आंदोलन तीव्रता और ठहराव से गुजरते हुए नया आकार ले रहा है। मतलब उस समय से, गौतम बुद्ध के समय से यह जो आंदोलन शुरू हुआ है धीरे धीरे अब उसमें स्थायित्व आ रहा है। दलितों की स्थिति में सुधार हुई है और वे सामाजिक जीवन में हाशिए से निकलकर समाज की मुख्य धारा में आज शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं और मुख्य धारा में आज पूरी तरह से लगभग शामिल हो चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अग्रसर करते हुए आज दलित साहित्य वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन है। मतलब वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध, जाति व्यवस्था के विरुद्ध आज भी दलित चेतना लोगों में विद्यमान है और यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा प्रखर है और इस पर बड़े बड़े नए नए साहित्यकार लोग आ रहे हैं, महान लोग आ रहे हैं, इस विमर्श के साथ जुड़ रहे हैं और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध यह जो आंदोलन आज भी अनवरत रूप से जारी है और आगे भी जारी रहेगा जब तक कि दलित पूरी तरह से समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो जाते। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको कैसा लगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसका जो नोट्स है, उसका जो PDF है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।